नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गंज बासोदा से। यहाँ 15 साल में ऐसी जोरदार बारिश हुई कि पूरा शहर जलमग्न हो गया। मूसलाधार बारिश के चलते वार्ड नंबर 7 के घरों में पानी भर गया। निवासियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। 5 घंटे हुई लगातार बारिश के चलते सड़क व घरों में 5 फीट पानी भर गया, जिससे रहवासियों को रोज़मर्रा के कार्यों में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते वार्ड नंबर 6 और 7 में तीसरी बार पानी भरा है। वार्ड वासियों का कहना है कि पानी की निकासी न होने के कारण पानी घरों में एकत्रित हो जाता है, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। पानी बंद होने के बाद भी बारिश का लगातार होना लोगों के लिए नुकसान बना हुआ है। वहीं प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं दी गई और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी अब तक इस क्षेत्र में आया है। कहीं लोगों के घरों में पानी भर जाने से हजारों रुपयों का नुकसान भी हो गया है। वहीं विधायक लीना जैन ने घरों का निरीक्षण किया। रघुकुल युवा परिषद गंज बासोदा द्वारा शहर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। कृष्णा गार्डन नए बस स्टैंड पर यह व्यवस्था दी जा रही है। कार्यकर्ताओं द्वारा भोजन के पैकेट तैयार कराकर शहर के विभिन्न वार्डों में पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं महा अन्नपूर्णा समिति के द्वारा वार्ड नंबर 5, 6 और 7 में घर घर जाकर पैकेट बांटे जा रहे हैं। रघुकुल परिषद के कार्य की SDM प्रकाश नायक ने प्रशंसा की। LN चौबे के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट। हमारे सब सदस्य आज आप समय से देख रहे हैं, सब लोग कोई पुलिस मिल रहा है, कोई आटा घूस रहा है, कोई सुखड़ी निकाल रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, मतलब सबने अपना सहयोग किया। आपने कितनी जगह का आपने खाना पहुंचाया और कितने लोगों ने अभी तक खाना खा लिया है? संगठन द्वारा वार्ड नंबर 6, 7, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 21 और 9 में इन वार्डों में भोजन के पैकेट वितरित किए और यहाँ कृष्णा गार्डन में भी लोग आके भोजन कर रहे हैं। 1000 करीब भोजन के पैकेट यहाँ ऐसे ही देखा जा रहा है। काफ़ी पानी यहाँ पर गिर रहा है बासोदा में। प्रशासन इसके लिए सुबह से ही लगा हुआ है। साथ ही में जो हमारे युवा संगठन है रघुकुल, उनके द्वारा भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर कृष्णा उद्यान में बैठे हुए हैं, जहाँ पर इनके द्वारा लोगों की भोजन की और रहने की व्यवस्था कराई गई है। इसी तरह हमने बासोदा में अन्य जगह पर भी व्यवस्थाएँ कराई गई हैं। उस तरह से स्कूल में कैंप है, संस्कार गार्डन में कैंप है, SDS में कैंप है, केसर गार्डन में कैंप है, जहाँ पे भी जिसको जो भी ज़रूरत रुकने की और खाने की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं नगर पालिका द्वारा, प्रशासन द्वारा और जो भी हमारी युवा लोगों के संगठन हैं सबके द्वारा पूरा सहयोग किया जाता है। अनाज व्यापारी संघ द्वारा भी और अन्नपूर्णा समिति है जो उसके द्वारा भी सभी के द्वारा मुक्त हस्त से जो है इसमें सहयोग किया।